सब सेटिंग हेलो स्टूडेंट ई परिवार में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जल्दी से सभी लोग लाइव बनेंगे और वीडियो को अपने सभी ग्रुप में शेयर भी जरूर करेंगे और यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के पी वाले कोर्स के लिए जो कि एक हमारा डिटेल्ड कोर्स है और इसके बारे में पूरी जानकारी आप लोगों को मिलने वाली है सभी लोग जल्दी से लाइव बनते रहें और शेयर भी ज़रूर करते रहें मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि जब भी आपको किसी कोर्स के बारे में बताने के लिए आते हैं तो आपकी दिलचस्पी कम रहती है भाई ये गलत बात है थोड़ा सा दिलचस्पी दिखाया करो तभी अकेडमी चलती भी है तभी घर गृहस्थी भी चलती है तो शेयर करने में कोई कंजोसू ना करें और कोई जबरदस्ती नहीं है कोर्स के बारे में जानकारी ले लो अच्छा लगेगा तो परचेज कीजिएगा अमाउंट आपको ज़्यादा लगेगा तो भी बताओ भाई वैसे तो ई के सारे कोर्सेज का जो अमाउंट है वो बहुत ही कम रखा जाता है तो सभी विद्यार्थी जल्दी से, से शेयर करें और लाइव भी आते रहें और यहाँ पर आज शनिवार को देखो हम दिख रहे एकदम सांवले सांवले से भाई वैसे तो हम है ही सांवले गुरुजी थोड़ा सा रंगीन कर दो मैं अगर संभव है तो सभी लोग वीडियो को शेयर जरूर करते रहे और 2023 में ईएडी सेलिब्रेट करने वाला है सिलेक्शन ईयर के रूप में और इसीलिए इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक सिविल हम सभी लोग अपना दिन रात मेहनत करने पर लगे हुए हैं बहुत ही जल्दी आपको कोर्स के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं शैलेंद्र सर भी और मैं तो आप लोगों को यही कहूँगा कि इलेक्ट्रॉनिक्स डिप्लोमा के लिए पहले कम वैकेंसी आया करती थी लेकिन धीरे 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 ग्राफ बढ़ रहा है अगर हम रेशियो देखें तो इलेक्ट्रॉनिक्स में तैयारी भी लिमिटेड लोग कर रहे हैं तो आपको शुरुआत करने की बस जरूरत है अब पावर ग्रिड में भी आने लग गई अब आपकी देखो बड़ी अच्छी वैकेंसी थी आपकी एस एस में अभी आप चाहे इसरो में सेल में अब भारत इलेक्ट्रॉनिक्स गेट हर जगह यार बंपर वैकेंसी आ रही है अब इलेक्ट्रॉनिक्स में तो आपको थोड़ा सा बस सीरियस होने की जरूरत है <coughs> अपनी तैयारी को बस स्टार्ट करने की आवश्यकता है कुछ बच्चे ये सोचते सोचते यार बहुत डिले कर बैठते हैं कि कल से करेंगे कल से करेंगे कल से करेंगे तो आपको एक चीज बता दूं हमेशा याद रखिएगा कि मैं बच्चों को समझाता भी हूं कि भूतकाल में मेरे अंधकार था और भविष्य को रोशन करने के लिए मैंने प्रयास नहीं किया तो हमेशा याद रखना कि अगर हमारा पास्ट में कुछ दिक्कतें हो समस्याएं हो फेलियर्स हो तो हमें हार नहीं माननी चाहिए हमें भविष्य को हमेशा रोशन करने के लिए रात दिन मेहनत करना चाहिए तो आइए चलिए कोर्स के बारे में पूरी जानकारी लेते हैं शैलेंद्र सर से गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स तो सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स इस, इस सेशन को आप लोग शेयर ज़रूर करें लाइक करें और सभी लोग लाइव बनते जाएं मैंने आप लोगों को कल से परसों से ये नोटिफिकेशन बताते हुए चल रहा हूं कि आज सैटरडे को सुबह दस बजे आप लोगों का हाँ पी जी का ये कोर्स पब्लिश हो जाएगा लॉन्च हो जाएगा इस कोर्स के बारे में जैसे सर ने भी कहा कि कोर्स की बात तो मैं बाद में करता हूँ सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के स्टूडेंट की अगर मैं बात करता हूँ तो आप लोग देख रहे होंगे कि इस एक दो साल के दौरान में ही आप लोगों का चाहे वो डी है डी ओ रहा है या इसरो रहा है सेल रहा है ठीक है, है या बी का रहा है एन रहा है या आई रहा है या फिर आपका एनपीसीआई रहा है और ऐसा कोई भी डिपार्टमेंट आपका नहीं होगा जहां पर आपकी वैकेंसी नहीं रही नंबर ऑफ वैकेंसी चाहे कम हो ज्यादा हो पर एटलीस्ट हमें मौका जरूर मिला है मुद्दा ये होता है कि हमें पीजीसीआई की बात भी अगर मैं करता हूं तो 2017 के बाद 18, 19, 20, 21, 22 पांच साल जाने के बाद दोबारा वैकेंसी आई है सेम आपका एस एस में भी था कि 2017 में पेपर हुआ था आपका 18, 19, 20, 21, 22 फिर पांच साल के बाद वैकेंसी आई थी और इस बल्क में वैकेंसीज का आना आप लोगों के लिए एक अच्छा इंडिकेशन है एक बहुत अच्छी बात है कि इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के लिए भी अब हर जगह हर बारिपी बी सी एल जेई ने तक आप लोगों के लिए वैकेंसी रखी थी जेई में आपके लिए वैकेंसी थी इसरो का सुनने में है कि फेबर लास्ट में मार्च फर्स्ट वीक में इसरो भी अपना वैकेंसी जो हमारा टेक्निकल असिस्टेंट का रहता है उस वैकेंसी को फिर से निकालने वाला है आर आर जेई आर आर एल पी ये आपके सामने आने वाले एग्जाम है बाकी अगर मैं पीजीसीआईएल की बात करता हूँ स्टूडेंट इस, इस कोर्स की बात करता हूँ तो इस कोर्स में आप लोगों के सारे सब्जेक्ट जितने भी आपके सिलेबस में मेंशन है मैंने आपसे कल की क्लास में भी कहा था जब सिलेबस डिस्कस किया था कि आपके प्रीवियस ईयर में जो 2017 में एग्जामिनेशन हुआ था किस सेक्शन से और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे सबसे अच्छी बात आपको जानकर खुशी होगी कि सिग्नल एंड सिस्टम कंट्रोल सिस्टम बेसिक इलेक्ट्रिकल हर एक सब्जेक्ट का क्वेश्चन बल्क में रखा है सिग्नल एंड सिस्टम की अगर आप नॉर्मल बात करें तो लगभग आपके पंद्रह से बाईस क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आए थे उस टाइप के सारे सब्जेक्ट आपके इस कोर्स में स्टूडेंट आपका इस सिंगल कोर्स में आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेंगे हर एक क्लास का पीडीएफ आपको मिलेगा इसे आप देख भी सकते हैं ये कोर्स आपके सामने पर है इसकी अगर मैं बात करता हूं ठीक है ये आप लोगों का अभी एक से दो मिनट में पब्लिश हो जाएगा इस कोर्स के बारे में अगर आप देखेंगे भी तो यहां आपको बाहर से ही आप देख भी सकते हैं वन ईयर वैलिडिटी 811 वीडियोस के साथ 790 आपके पीडीएफ फाइल्स अपलोड हो चुके हैं बाकी के पीडीएफ पर काम चल रहा है वो आपके आज शाम तक अपलोड हो जाएंगे दो आप लोगों के टेस्ट पेपर्स भी फुल लेंथ आ चुके हैं कोर्स के बारे में किसी भी तरह के हेल्प के लिए आप लोगों का हेल्पलाइन नंबर हमारे इस वीडियो के आपके डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन किया मैं आप किसी भी नंबर पर कॉल कर सकते हैं अपनी डिटेल को देख सकते हैं कंटेंट की बात करता हूं स्टूडेंट इस, इस कोर्स में आपका क्या क्या रहने वाला है आपने सिलेबस देखा होगा तो दो पार्ट में आपके सिलेबस को तोड़ा हुआ है टेक्निकल नॉलेज टेस्ट और सुपरवाइजरी एप्टीट्यूड टेस्ट ठीक है तो टेक्निकल नॉलेज टेस्ट में तो मुझे तक लगता है स्टूडेंट को क्लियर होता है कि मुझे क्या पढ़ना है सुपरवाइजरी एप्टीट्यूड टेस्ट की अगर मैं बात करता हूं तो यहां एप्टीट्यूड रीजनिंग और आपका इंग्लिश तीन सेक्शन से क्वेश्चन आना है और तीनों सेक्शन में आप देख सकते हैं कि डिटेल्स चीजें आप लोगों की रखी हुई है इंग्लिश का पोर्शन कम इसलिए दिख रहा है क्योंकि इंग्लिश का सिलेबस भी कम है सिर्फ दो टॉपिक से आप लोगों का इंग्लिश में क्वेश्चन पहले भी पूछा गया और इस बार भी पूछा जाना है वो आपका कॉम्प्रिहेंशन और वैकबलरी वैकबलरी में आप लोगों का वन वर्ड आपका सिनोनियम एंटोनियम कंफ्यूजिंग पेयर वर्ड ये सब आपके इसमें रहेंगे बाकी कॉम्प्रिहेंशन में आपका कॉम्प्रिहेंशन हो गया और क्लोज टेस्ट हो गया और फिर बाकी की अगर मैं बात करूं तो, कुछ चीजें वो आप लोगों को को यहां देखने को मिल जाएंगी ऐसे रीजनिंग और एप्टीट्यूड जीके जीएस करंट अफेयर का यहां पर कोई क्वेश्चन नहीं आना है तो उस तरफ आपको जाने की भी जरूरत नहीं है मैं एक बात हमेशा कहता हूं कि तैयारी करना जरूरी नहीं है सही डायरेक्शन में सही रास्ते पर तैयारी करना जरूरी है तो सबसे पहले सिलेबस जो मैंने आपका कल YouTube पर सेशन में लिया था उस सिलेबस को ध्यान से देखिएगा कि उस सिलेबस में आप लोगों का क्या क्या चीजें किस किस सेक्शन से पूछी जानी है इसी तरह से अगर मैं टेक्निकल नॉलेज की बात करता हूं तो आपके टेक्निकल नॉलेज में बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स या इसी तरह से कम्युनिकेशन सिस्टम सैटेलाइट कम्युनिकेशन एंटीना ऑप्टिकल फाइबर वायरलेस कम्युनिकेशन डेटा कम्युनिकेशन बेसिक इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन मटेरियल साइंस कंट्रोल सिस्टम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स माइक्रो प्रोसेसर माइक्रो कंट्रोलर सिग्नल सिस्टम माइक्रोवेव ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है स्टूडेंट आपका जो इस कोर्स में आप लोगों के लिए अपलोड नहीं किया गया है रिकॉर्डेड बैच बनाने का मुख्य जो कारण था जो मेन रीजन था वो ये है कि जो आप लोगों का एक्सपेक्टेड है मार्च में शायद आप लोगों का एग्जाम भी हो जाएगा तो इसीलिए इस बैच को लाइव ना करते हुए क्योंकि आप भी जानते हैं कितने सब्जेक्ट आपके एक से दो महीने में करवा पाना पॉसिबल नहीं है ना ही आप कवर कर पाते हैं तो इसलिए रिकॉर्डेड बैच रखा है इसमें से कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जैसे आप लोग रेगुलर तैयारी कर रहे हैं एस एस के लिए पढ़ चुके हैं डी के लिए आप पढ़ रहे हैं बाकी जो सब्जेक्ट ऐसा बचता है जो आपने नहीं पढ़ा है उसे भी आप यहां से पढ़ सकते हैं और जो चीजें पहले पढ़ने के बाद रह गई है उन्हें भी आप डिटेल में यहां से देख सकते हैं और इसी के साथ अगर मैं एक और अच्छी बात की बात करूं तो आपके सिलेबस के साथ साथ दो फुल लेंथ पेपर में ऑलरेडी अपलोड करवा चुका हूं आप लोगों के लिए जिसमें आपका टेक्निकल और नॉन टेक्निकल पूरा पोर्शन उस हिसाब से जैसा आपका एग्जामिनेशन पेपर में आना है या जिस तरह का पेपर आप लोगों को पूछा जाना है ठीक है बाकी सब्जेक्ट वाइज टेस्ट पेपर में आप लोगों के लिए अब धीरे धीरे जैसे जैसे आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट पेपर में आप लोगों को धीरे धीरे यहां पर अपलोड करवाते रहूंगा एक और चीज आज के लिए आप लोगों के लिए स्पेशल है जो हाँ इसमें सर प्रॉपर आपके सब्जेक्ट जी सर हाँ देखो बच्चों एक एक बच्चों देखो एक एक क्लास का इसमें पीडीएफ दिया गया है क्योंकि एग्जाम नजदीक है तो आपको इतना समय नहीं मिलेगा देखो नोट्स बनाने का तो जैसे जिस भी सब्जेक्ट में ये देखो पूरे लेक्चर है पूरे लेक्चर को टॉपिक के साथ में अपना पूरा डिटेल में तोड़ा गया है और फिर देखो मतलब एक एक चीज का पीडीएफ है देखो प्रॉपर आप चलेंगे अपना बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में तो जो एजेटेज हमने बोर्ड पर पढ़ाया है पूरा डिजिटल बोर्ड पर वो एजेटेज इसमें आपको पीडीएफ के रूप में दे दिया हमने ये जैसे ये एजेटेज हमने पीडीएफ के फॉर्म में दे दिया पूरा तो एक एक पीडीएफ को अपना पूरा रखा गया है एक एक पीडीएफ को प्रॉपर अपलोड किया गया है तो ये भी एक बढ़िया चीज़ है अगर आपने थ्योरी को फास्ट मोड में करके देखेंगे तो आप बहुत जल्दी से अपना पी से क्विक रिवाइज जरूर कर लीजिएगा ताकि आपका कंटेंट आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित हो और आप एक एक चीज़ को समझ पाएँ जैसे सिग्नल में सिक्सटी है तो सिक्सटी है पूरे पी डी वीडियोज फाइनल है माइक्रोवेव की इक्कीस वीडियो का पी बचा है वो भी आज या कल में अपना आ जाएगा आप लोगों का तो पूरे कोर्स को बड़े तरीके से अकॉर्डिंग टू योर पी एग्ज़ाम पूरा तोड़ा गया है वैकेंसी थोड़ा कम जरूर आती है इलेक्ट्रॉनिक्स में लेकिन वैकेंसी आती जरूर है और विद्यार्थियों की संख्या भी थोड़ा कम है इसलिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी अब है इलेक्ट्रॉनिक्स विद्यार्थियों के पास में कि अच्छे से पढ़िए तैयार हो जाइए और अपना एग्जाम को पास कीजिएगा एक और चीज आप लोगों के लिए अच्छी बात है कि जितने स्टूडेंट आज कोर्स को ज्वाइन करते हैं ठीक है तो आप लोगों के लिए गिफ्ट हमारी तरफ से भी है कि जो हमारा टेन लेंथ पेपर का टेस्ट सीरीज जो मैं पहले ही आप लोगों के साथ लॉन्च कर चुका हूं वो टेन फुल लेंथ के टेस्ट पेपर आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड होंगे इस जो आपका कोर्स है इस पूरे कोर्स के साथ आप लोगों को अलग से उस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने की जरूरत नहीं होगी बाकी जो स्टूडेंट टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर चुके हैं आप लोग टेस्ट सीरीज से क्वेश्चंस को करते रहिएगा यहां सेपरेटली आप लोगों को सब्जेक्ट वाइज टेस्ट पेपर्स अलग से मिलते रहेंगे दो फुल लेंथ के पेपर ताकि आपको एक आइडिया आ जाए कि आपको किस सब्जेक्ट से किस डेप्थ में और किस तरह से पढ़ना है बाकी जैसे मैंने कहा था तो आज शाम तक आप लोगों का जो 2017 का पेपर का एनालिसिस था वो मैं पूरा तैयार कर चुका हूं वो आपको यूट्यूब पर ही मैं उसे भी डिस्कस आपको जरूर करूंगा कि किस तरह से दो में पीजीसीआईल का क्वेश्चन पेपर पूछा गया था एक बात को आपको बता दूं कि पीजीसीआईल का जो 2017 का पेपर रहा था बहुत ही अच्छे लेवल पर क्वेश्चन को पूछा था कम्युनिकेशन सिस्टम में ही अगर मैं बात करूं तो रैंडम वेरिएबल और इन्फॉर्मेशन थ्योरी ऐसे अगर मैं सिग्नल सिस्टम में बात करूं तो अच्छा अच्छा क्वेश्चन फोरियर ट्रांसफॉर्म का लैपलास ट्रांसफॉर्म का बहुत अच्छे लेवल पर पूछा गया था और वो चीज़ें एग्जाम में तभी अच्छे से हो सकते हैं जब आप यहाँ से चीज़ों को अच्छे से बनाकर अच्छे से लेकर चलेंगे तो ये कोर्स अब आप लोगों के बीच में लॉन्च हो चुका है ओपन हो गया ना सर ये ये देख लीजिए ये अब आपका ओपन कोर्स आप लोगों का आपको सिंपल सा काम ईडी एप्लीकेशन है उसे डाउनलोड करना है स्टोर में जाकर डायरेक्टली पीजीसीआईएल आपको सर्च करना है पीजीसीआईएल सर्च करते ही आप लोगों को ये कोर्स डायरेक्टली विजिबल होने लगेगा और फिर आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने क्लासेस को आज से ही आपको स्टार्ट कर देना है कोर्स आप लोगों का वन ईयर वैलिडिटी के साथ है बाकी आप ऐसा नहीं है कि सिर्फ पीजीसीआई के ही एग्जाम में ही आपको हेल्प करेगा आगे आने वाले भी बाकी के एग्जाम्स में भी ये कोर्स आप लोगों को पूरा पूरा हेल्प करेगा क्योंकि पीजीसीआई के सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रीवियस ईयर के पेपर को अगर हम देखते हैं तो उसने ऐसा शायद ही कोई सब्जेक्ट है जहां से क्वेश्चन नहीं पूछा है पूरे टेक्निकल सब्जेक्ट को वो लेकर चला है नॉन टेक में अलग बात है कि सिर्फ तीन पोर्सन पर और मेजर फोकस उसका रीजनिंग और क्वांट पर है इंग्लिश का भी सिर्फ जनरल टेस्ट होना आप लोगों का बाकी अगर मैं बात करता हूं जीके जीएस और करंट अफेयर की तो वो इस एग्जाम का पार्ट नहीं है तो उसे इस एग्जाम के लिए आप रेस्ट मोड में रख सकते हैं तो सभी स्टूडेंट इस इंफॉर्मेशन को शेयर भी करें और फटाफट से अपना कोर्स को ज्वाइन करना स्टार्ट करें क्योंकि जितने स्टूडेंट आज ज्वाइन करेंगे आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के बाद वो बात मैं आपको बता दूंगा कि टेस्ट सीरीज में अब आप कैसे इनरॉल्व होंगे तो जो भी स्टूडेंट आज ज्वाइन करते हैं तो आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट टेन जो फुल लेंथ पेपर हैं वो आपको प्रोवाइड होंगे बाकी सेपरेटली यहां जो टेस्ट पेपर मिलेंगे वो आपको अलग से मिलते रहेंगे अच्छा एक और बात याद रखिएगा कि आप सोच रहे होंगे कि सर रिकॉर्डेड बैच और मुझे अगर कभी डाउट आता है चीजें समझ नहीं आती तो वो कैसे पूछूंगा तो हर सैटरडे को आप लोगों के लिए डाउट सेशन मेरे साथ रहेगा ठीक है वो मैं आपके साथ लाइव रहूंगा एप्लीकेशन पर इसी कोर्स में तो जो भी डाउट होगा आप पेंसिल से मार्क करके उस चीज को नोट डाउन करके रखें और सैटरडे को दो से तीन घंटे या जितना भी टाइम लगता है जब तक आप लोगों के डाउट क्लियर नहीं होते हैं यहां हम लोग लाइव रहेंगे और आपके सारे डाउट्स को क्लियर भी करेंगे तो इस सेशन को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें पीजीसीआई का इलेक्ट्रॉनिक्स का बैच की इंफॉर्मेशन हर एक स्टूडेंट तक पहुंचाएं भी आप लोग और अच्छे से अपनी तैयारी को स्टार्ट भी जरूर करें और स्टूडेंट आज हम लोग ई एडी क्लासेस क्लासेज यूट्यूब चैनल पर भी कुछ धमाल करने वाले हैं पांच नए सदस्य हमारे बीच में आने वाले हैं पूरे तरीके से लाइव रहिएगा ए डी को सपोर्ट करिए थोड़ा सा शेरवेर कीजिएगा और ये इन्फॉर्मेशन कन्वे कीजिएगा अपने इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चों के साथ में इलेक्ट्रिकल के बच्चों के साथ में कि एडी डी क्लासेस पर आज से कुछ धमाल होने वाला है साथ ही पावर ग्रेड का इलेक्ट्रिकल का भी एक क्रैश कोर्स चल रहा है उसे भी आप एप्लीकेशन पर देख सकते हैं साथ में ये डी की पूरी टीम आप लोगों के लिए रात दिन मेहनत करके अच्छे से अच्छा कंटेंट जुटाने का प्रयास हमेशा करती रहेगी और आगे भी दिन रात मेहनत करके आपको सफलता दिलाने के लिए प्रयास करते रहेंगे थैंक